हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। इस क्लास से पहले हमने मैथमेटिकल स्टैटिक्स की तीन यूनिट पढ़ी थी। आज पेपर नंबर फर्स्ट की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की दो यूनिट पढ़ना जारी करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पहले आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का आपने डिस्कशन क्लास ट्वेल्थ में कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स संख्या क्या होती है, जिनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, आज बेसिक जानकारी हम हासिल करेंगे। इसके बाद मैं अगली क्लास में और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। तो ग्रेट मैथमेटिशियंस आयलर, जिन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था इन 1707 से 1783 ईस्वी तक। ग्रेट मैथमेटिशियन आयलर एक्सप्रेसेज अनरूट माइनस वन विद सिंबॉलिकली आइटा, एंड इट इज बीन प्रपोज दैट रूट ऑफ द ईच क्वाड्रिक इक्वेशन ऑफ रियल कोएफिशिएंट इज ए प्लस आइटा बी। दिस नंबर्स टाइप्स वेयर ए एंड बी आर एनी रियल नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस टाइप ए प्लस आइटा बी, दिस टाइप इक्वेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। हैमिल्टन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द एक्सपेंशन ऑफ द थ्योरी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड द ग्रेट मैथमेटिशियन कॉसी, रीमान, ईटीसी आदि आर डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ एनालिटिक कॉम्प्लेक्स फंक्शन। नाउ द डिफाइन करते हैं इसको। द नंबर ऑफ द फॉर्म, वह संख्या जिसको z इक्वल टू x प्लस आइटा y, वेयर x बाई क्या है, रियल नंबर है, आइटा इक्वल टू अन रूट माइनस वन है, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z। रियल ऑफ z क्या है, यहाँ पर z का वास्तविक भाग x और इमेजनरी भाग क्या है, y। यहाँ पर z का वास्तविक भाग x है, इमेजनरी भाग z है। यदि y बराबर जीरो हो तो z क्या हो जाएगा, प्योरली रियल, विशुद्ध वास्तविक। x बराबर जीरो, जेड इज प्योरली इमेजनरी। इस ऑर्डर पेयर में लिखते हैं इसको। तो जेड इक्वल टू एक्स वाई कॉमा एक्स कॉमा वाई, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑर्डर्ड पेयर ऑफ द टू रियल नंबर्स, देयरफॉर सी बराबर इसको लिखते हैं एक्स वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, आर इंटू आर बराबर आर स्क्वायर, इसको सेट फॉर्म में लिखा जाता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को, कॉम्प्लेक्स सेट को सी से डिफाइन करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सी से डिफाइन होते हैं। इसकी बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, एंड जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आइटा बाई वन, जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आइटा बाई टू। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जो जो कंक्लूजन निकलते हैं, अगर इन दोनों को बराबर करें, जेड वन बराबर जेड टू, तो क्या आएगा, रियल भाग रियल के बराबर, काल्पनिक भाग काल्पनिक के बराबर। प्लस करेंगे तो रियल भाग को रियल से जोड़ देंगे, काल्पनिक भाग को काल्पनिक से जोड़ेंगे, ऐसे ही माइनस में कर देंगे। गुणा करेंगे तो रियल भाग एक तरफ, काल्पनिक भाग एक तरफ, माइनस जेड माइनस जेड, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। वन अपॉन जेड निकालेंगे तो आएगा अपने पास एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आइटा ऑफ माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जेड वन अपॉन जेड टू निकालेंगे तो एक्स वन एक्स टू प्लस बाई वन बाई टू अपॉन एक्स टू स्क्वायर प्लस बाई टू स्क्वायर प्लस आइटा एक्स टू बाई वन माइनस एक्स वन बाई टू अपॉन एक्स वन स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस बाई टू स्क्वायर। ना प्रॉपर्टीज है इसकी एडिशन के लिए, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, तो हम ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं। जो आपके फर्स्ट पेपर चलता है बीएससी फर्स्ट ईयर में, ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, उसके अंदर हम ये सारी प्रॉपर्टियाँ पढ़ते हैं। उन प्रॉपर्टियों को कॉम्प्लेक्स नंबर या कॉम्प्लेक्स संख्याएँ कहाँ कहाँ तक फॉलो करती हैं,
क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एडिटिव के लिए, एडिशन के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करती है, कैंसिलेशन लॉ सेटिस्फाई करती है, Z1 = Z2। आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है, एडिटिव के लिए आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 0 0, और इनवर्स भी, एडिटिव इनवर्स भी सेटिस्फाई करती है, इनवर्स क्या हो जाएगा -Z। एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इसी प्रकार से गुणा के लिए, तो क्लोजर प्रॉपर्टी गुणा के लिए सेटिस्फाई करती है, एसोसिएटिव भी सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करती है, कैंसिलेशन लॉ आइडेंटिटी क्या हो जाएगी 1 0, एंड एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल इनवर्स क्या हो जाएगा Z स्टार, जो Z स्टार यहाँ आएगा x/(x²+y²) -y/(x²+y²). नाउ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी, लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन ये दोनों के यहाँ बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई होती है, ये दोनों बराबर होंगे। तो Z1 × Z2 + Z3 = Z1 × Z2 + Z1 × Z3। अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी संख्या तो वो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लो, अगर राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन लो। ना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालते हैं इसका, Z = x + iy, कंजुगेट निकालते हैं जिसको Z बार से डिनोट करते हैं, = x - iy, आइटा का चिन्ह चेंज होता है, x - iy इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द Z। देख लेते हैं एग्जाम्पल, Z = 1 + iy दे रखा है, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा Z = 1 - iy। तो से फॉलोइंग रिलेशन डेवलप होते हैं, अगर Z बार का दोबारा से कंजुगेट करें या दोबारा से बार निकालें तो वापस Z आएगा, Z + Z बार करें तो 2 times of real Z, Z - Z बार करेंगे तो 2 iy imaginary of Z, Z - Z बार करेंगे तो x²+y², और Z1 + -Z2 बार करेंगे तो अलग अलग करके बार हो जाएगा, गुणा में भी अलग अलग के पार हो जाएगा, घात में लेंगे तो घात से पहले हटा के घात ऊपर रख देंगे और जेड का बार कर देंगे, अपॉन में लेंगे तो अलग अलग बार हो जाएगा। तो आज क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।